Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of discussion for today is consumer protection. ये आपका three parts में आएगा video. This is the first part जिसमें हम very basic पढ़ेंगे about the consumer protection. So let's start the video. सबसे पहले consumer protection के concept के ऊपर आ जाते हैं कि उसका मतलब क्या होता है. पहले तो आप नाम को decode करिए, consumer protection. मतलब उपभोक्ता को हम कैसे प्रोटेक्ट करें. उपभोक्ता या कंज्यूमर इन द सेंस द वन हु कंज्यूम्स, जो सामान का इस्तेमाल करता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं. उसको प्रोटेक्ट करना इज ऑल अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन. दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, एक है कैवियट एम्प्टर, एक है कैवियट वेंडेटर. ठीक है, दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कैवियट एम्प्टर का मतलब होता है कि लेट द बायर बिवेयर, एंड कैवियट वेंडेटर का मतलब होता है लेट द सेलर बिवेयर. पहले के टाइम पे ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता था, बट स्लोली एंड स्टेडिली हम कैवियट वेंडिटर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. इसका क्या मतलब है, पहले एक एक करके समझते हैं. कैवियट एम्प्टर का मतलब लेट द बायर बिवेयर, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई सामान लेने जा रहे हैं किसी भी शॉप पे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सामान को देख कर खरीदें, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, या वो जो भी क्लेम्स करता है, वो सारे इतना दिमाग हमारे पास है, हम खुद बेवेयर होकर सामान खरीदेंगे. सेलर हमें नहीं बताएगा कि इस चीज़ में हमें ये फ़ायदा मिलेगा या इस चीज़ से हमें ये नुकसान मिलेगा. ये हमारी एज अ कंज्यूमर हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट वी शुड चेक इट, और ये हमें अपने आप को बेवेयर करना है. पहले का कॉन्सेप्ट ये था कि यार बेवेयर अपने आप को खुद रखो, आपको सेलर खुद नहीं बताएगा. इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम बड़े सारे फेयरनेस क्रीम के ऐड तो देखते ही हैं टीवी पे कि हमने क्रीम लगाई और 15 दिन में हम बिल्कुल चिट्टे हो गए. एग्जैक्टली क्या ऐसा कहीं भी होता है? बिल्कुल भी नहीं. क्या आपने कभी किसी को देखा है जो एग्जैक्टली 15 दिन के बाद उसके फेस पे वही सेम चीज़ हो जैसा एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है? बिल्कुल भी नहीं. इन द सेम केस आप हेयर के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि इतने सिल्की हेयर हो गए शैम्पू के फर्स्ट वॉश से ही, लेकिन एग्जैक्टली सारी चीज़ें नहीं होती. लेकिन जो एडवर्टीजमेंट्स में क्लेम करते हैं और हम जाकर उन एडवर्टीजमेंट के फ्लो में सामान खरीद लेते हैं, तो हमारी खुद की अवेयरनेस हमें खुद दिखानी है कि हम कितने अवेयर हैं उसको लेके. हमें सेलर नहीं बताएगा कि भाई इस क्रीम में जो दिखाया जा रहा है ऐसा होता नहीं है, या हमें वो ये नहीं बताएगा कि यार शैम्पू में आपने जो देखा वो ऐसा होगा नहीं. समझ में आ गया? उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो सामान बेचने के लिए खड़ा है वहाँ पे, आप उससे फेयरनेस क्रीम मांगेंगे वो आपको दे देगा, उल्टा वो आपको ये भी बोल देगा नहीं नहीं बहुत फायदा हो रहा है. समझ में आ गया? दिस इज कैवियट एम्प्टर. ये कॉन्सेप्ट पहले चलता था, पहले इन द सेंस ये अभी भी है, लेकिन स्लोली अब हम कैवियट वेंडेटर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें सेलर हमको बेवेयर करेगा कि भाई सामान ध्यान से लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखने के बाद लीजिए, या इसमें ये नुकसान है इसमें ये फायदा है, वो हमें ये चीज़ें बताएगा. क्लियर? अब क्या हो रहा है फॉलो? अब फॉलो हो रहा है कंज्यूमर इज अ किंग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन. द वन हु कंज्यूम्स, उसके साथ कुछ गलत ना हो, किसी भी अनस्क्रिप्यूलस एडवर्टीजमेंट को देख के या किसी भी एग्जैजरेटेड एडवर्टीजमेंट को देखकर वो सामान अगर खरीद रहा है और उसको उसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर अंडर द हेडिंग ऑफ कैवियट वेंडेटर. ये उसकी जिम्मेदारी है कि हमको चीज़ों को बताए, क्योंकि कंज्यूमर इज अ किंग. या आपने हर एक कंसेप्ट में पढ़ा होगा, मार्केटिंग में आपने पढ़ा होगा कि भाई कंज्यूमर को हम किंग मानते हैं, उसके हिसाब से सामान बनाते हैं, अपने हिसाब से नहीं. दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले अब आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है. फर्स्ट वन इज सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड गुड्स लाइक एडिंग इनफीरियर सब्सटेंसेस. क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत मिलावट वाला सामान आ चुका है, ठीक है, बहुत आपको ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे, वो कौन सा फ्रूट है, वाटरमेलन. वाटरमेलन को इंजेक्शन लगा लगा के रेड किया जाता है, ठीक है, टमाटरों को इंजेक्शन लगा के रेड किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो है हमको पता है कि अडल्ट्रेशन है. अडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन हो चुका है, इतनी ज़्यादा मिलावट हो चुकी है. तो हम उस, अब आप खुद ही सोचिए, अगर उस वाटरमेलन को हम खाएंगे तो हमारे पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही. या वो बिल्कुल प्योर एक वाटरमेलन और एक वो वाटरमेलन जिसको इंजेक्शन लगा कर रेड किया गया हो, दोनों में बहुत फ़र्क है.
तो क्योंकि सामान में बहुत मिलावट हो रही है, इस वजह से हमें प्रोटेक्ट करना इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड वन इज सेल ऑफ काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब नकली सामान, डुप्लीकेट सामान, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आ गई है। बड़े बड़े ब्रांड्स आपके एडिडास का एडिबास बना के बेचा जा रहा है, तो ये वाली चीज़ें जो हो रखी हैं इससे हमें बचाना है अपने कंज्यूमर को। थर्ड वन इज सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स दैट डू नॉट मीट द प्रिस्क्राइब क्वालिटी। इसका मतलब ये है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए गुड्स का, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई ड्यूरेबल सामान है, उस पर ISI मार्क होना इज इम्पॉर्टेंट। फूड का अगर कोई सामान है, खाने पीने का सामान है, उस पर FBO मार्क होना इज इम्पॉर्टेंट, और आपका ज्वेलरी में BIS हॉल मार्क होना इज इम्पॉर्टेंट। तो हर एक मार्क जो हो रहा है आपके प्रोडक्ट पे, अगर ISI मार्क है, तो वो ये क्वालिटी का अश्योरेंस देता है कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आप प्रेशर कुकर का यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि प्रेशर कुकर में अगर हमने ISI मार्क वाला लिया है, तो वो हमें इतना भरोसा होगा कि भाई वो फटेगा नहीं किचन में। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी ऐसे सस्ते से प्रेशर कुकर को लेकर आ जाएंगे जिस पे आपने ISI मार्क देखा, उसमें नहीं था, स्टिल आप लेकर आ गए, तो उसकी क्वालिटी की कोई भी गारंटी नहीं है, वो कभी भी किचन में धमाका कर सकता है। तो क्योंकि बहुत सारे सब स्टैंडर्ड गुड्स मार्केट में हैं जो कि क्वालिटी को मैच नहीं करते, इस वजह से हमें अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है और उसको अवेयर करना है कि सिर्फ ISI मार्क वाला ही ड्यूरेबल गुड खरीदा जाए। फोर्थ वन इज सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, क्योंकि सामान बहुत नकली नकली आ चुके हैं, इस वजह से यूज ऑफ माल फंक्शनिंग वेट्स एंड स्टैंडर्ड्स। आपने कभी कभी देखा होगा, जब आप भी तो सब ज़्यादातर मैंने इलेक्ट्रॉनिक ही देखा है, वेइंग मशीन्स आ गई हैं, उस पर सामान रखते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिकली वेट हमें पता चल जाता है। लेकिन पहले वो बट्टे, जैसे हम कहते थे कि 100 ग्राम का बट्टा एक छोटा सा लोहे का, और 50 ग्राम का, 250, और ऐसे करके अलग अलग वेट्स होते थे। तो कभी कभी वेट अगर नहीं है तो उनकी जगह ईंट पत्थर रख दिए जाते थे और उन्हें 50 ग्राम मान लिया जाता था या 100 ग्राम मान लिया जाता था। तो ये प्रॉपर वेट नहीं है। आप उस एक ईंटे से या उस छोटे से अगर पत्थर के टुकड़े को अगर आप वेट की शेप में काट के अपने पास रख रहे हो, उसे एज अ वेट मेजर कर रहे हो उसे सामान को, दिस इज रॉन्ग। तो ये नहीं होना, प्रॉपर आपको वेट जो सामान का है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिकली वो लगाकर देना चाहिए। ये गलत हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर माल फंक्शनिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्लैक मार्केटिंग एंड होल्डिंग दैट लीड्स टू प्रोडक्ट स्कार्सिटी। सामान का अपने पास इकट्ठा कर लेना और उसे महंगे महंगे रेट पर बाद में बेचना जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और सामान की कमी हो जाए, दिस इज नोन एज ब्लैक मार्केटिंग। तो ये और होल्डिंग, होल्डिंग मतलब अपने पास इकट्ठा कर लेना, होल्ड करके रख लेना और तब बेचना जब उसकी डिमांड एग्जैक्टली ज़्यादा हो, और अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई है कम, उस केस में अगर आपको बेचना है तो आप ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं, इन द सेंस कि अगर वो सामान आपका 100 रुपये का है तो वो 400, 500, 600 रुपये तक भी पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सप्लाई, और इस लैक ऑफ सप्लाई का फायदा उठाते हैं ब्लैक मार्केटर्स एंड होल्डर्स। देन कम्स ओवरचार्जिंग प्राइस अबव MRP। अगर आपसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा प्राइस लिया जा रहा है तो भी आपको प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। 100 रुपये की चीज़ अगर है, आपसे 120 की ली जा रही है, दैट कम्स अंडर ओवरचार्जिंग। देन कम्स सप्लाइंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, आपको गलत सलत सामान देना, डिफेक्टिव सामान देना और ख़राब सामान देना। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दैट फॉल्सली क्लेम, ये तो अभी मैंने आपको शुरू में बताया, जो हम फेयरनेस वाले एड्स देखते हैं और हेयर वाले ऐड देखते हैं, कॉम्प्लान से हाइट बढ़ दी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कि हमको क्लेम करते हैं कि भाई सच में ऐसा होता है, बट एग्जैक्टली ऑन लिटरल टर्म्स ये नहीं होता। आपको 0.5% शायद हो सकता है कि फेयरनेस क्रीम से कुछ हो जाए, लेकिन ये सारी जो फेयर और फेयरनेस ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं सबसे आया है। लास्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ इन्फीरियर सर्विसेज वे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज लेस देन कंडीशन एग्रीड। अब देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सिर्फ प्रोडक्ट गड़बड़ अगर मिल रहा है तो उसके खिलाफ हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विथ सर्विसेज भी। डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस, अगर इन सब की सर्विसेज में भी आपको कोई प्रॉब्लम है या इनकी सर्विस की वजह से आपका कुछ लॉस हुआ है, उस केस में भी आप अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केस किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कवर करता है? इट कवर्स द प्रोडक्ट ऑल्सो एंड सर्विसेज ऑल्सो। प्रोडक्ट और सर्विस दोनों से ही अगर कंज्यूमर को कुछ सफरिंग हुई है, कुछ लॉस हुआ है, दोनों ही उस हेडिंग में आ जाते हैं। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम
ने अभी पढ़ा कि इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की, अब हम पढ़ रहे हैं कि जरूरत क्या है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की, व्हाट इज द नीड। पहला पॉइंट इज फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंज्यूमर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो क्यों प्रोटेक्ट किया जाए। फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए, अगर कंज्यूमर के हिसाब से सोचा तो पहली गड़बड़ जहां पर शुरू होती है वो ये है कि कंज्यूमर इग्नोर है, उसको पता ही नहीं है कि उसके 6 राइट्स कौन से हैं जो उसको अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दिए गए हैं। उसे अपने राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि सामान को अगर लेने जाना है तो उससे पहले हमें उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए, उसका लेबल पढ़ना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और सामान लेने के बाद अगर हम कैश मेमो नहीं ले रहे, अगर वो हमें कैश मेमो नहीं दे रहा, कौन सेलर अगर हमें कैश मेमो नहीं दे रहा तो हम उसको मांगे। हम सामान अगर लेने जाते हैं तो सामान लेकर घर आ जाते हैं, हम कभी भी कैश मेमो नहीं मांगते, विच इज रॉन्ग। कंज्यूमर का इग्नोर होना इज वन ऑफ द रीजन कि उसके साथ ये सारी चीजें होती हैं, उसको काउंटरफीट सामान बेच दिया जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि असली सामान कैसा है, उसने इस चीज के बारे में पढ़ा ही नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट भी है काफी हद तक, एज पर द सेंसस 2011 काफी हद तक लोग अभी भी इलिटरेट हैं, तो उस इलिटरेसी का फायदा उठाया जाता है बाय दीज मैन्युफैक्चरर्स, और ये जो डुप्लीकेसी करते हैं, ब्लैक होर्डिंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर का इग्नोर होना। सेकेंड पॉइंट इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर जो हमारे हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, इन द सेंस वो बिखरे हुए हैं, उनका कोई ग्रुपिज्म नहीं है, कोई कंज्यूमरिज्म नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। जैसे कि लेबर्स का हम ले सकते हैं, वी आर हैविंग ट्रेड यूनियन हु इज ऑलवेज बिहाइंड द लेबर्स। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ट्रेड यूनियन तुरंत आ जाते हैं अपने लेबर के हक में बात करने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ होता है तो कंज्यूमर्स का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कंज्यूमर के लिए बात करे इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। कंज्यूमर अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ, किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ, वो खुद डील करेगा, खुद कंप्लेन करेगा, खुद ट्विटर पे डालेगा, यहाँ पोस्ट करेगा, वहाँ पोस्ट करेगा, बट ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रॉपर जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, या फिर अगर है भी तो वो उतना लार्ज स्केल पर नहीं है। थर्ड पॉइंट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो भी हमने पीछे पढ़ा कि एडल्ट्रेशन और हमको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, फॉल्सली क्लेम किया जाता है, अंडर वेट्स यूज किए जाते हैं सामान को तोलने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंस में इतने सारे रीजन्स थे जो हमने अभी पढ़े, वो सारे रीजन्स आपके वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन में आ जाते हैं कि इस तरह से कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉयट किया जाता है। देन कम्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिजनेस वालों के हिसाब से सोचा जाए कि भाई क्यों कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ कंज्यूमर वाले ही सोच रहे हैं, बिजनेस वाले भी सोचते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। फर्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि देखिए बिजनेस जिस एनवायरमेंट में काम करता है वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं। ठीक, हम अगर एज अ बिजनेस अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने की सोचें तो हम इस सोसाइटी में ही बिजनेस करेंगे, सामान जो बनाएंगे इस सोसाइटी में ही बेच देंगे। तो जब हमें पता है कि भाई हमें इस सोसाइटी में ही रहना है, अपने सामान को इन लोगों को ही बेचना है, तो हम इनका ही एक्सप्लॉयटेशन क्यों करें। अगर बिजनेस में शॉर्ट टर्म रहना हो तब तो ठीक है, आप शॉर्ट टर्म सामान बनाइए बेचिए और फिर जब आपकी कंप्लेन हो जाए तो बिजनेस बंद कर दीजिए। लेकिन क्योंकि एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस की एक लंबी लाइफ है। एज पर द परपेचुअल सक्सेशन फीचर ऑफ योर कंपनी अंडर योर जॉइंट स्टॉक कंपनी, उस हिसाब से भी यहाँ पर कंपनी की लाइफ लॉन्ग होती है। समझ में आ गया, दोनों ही सब्जेक्ट से लिंक कर दिया गया यहाँ पे। उस सेंस में भी देखा जाए तो हम इसको नहीं मान सकते कि यार हमारा शॉर्ट टर्म है, क्योंकि बिजनेस एक लंबे समय तक रहता है, तो हमें क्या करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा काम करना है, क्योंकि हम उसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमारा बिजनेस है, लोग हमारे सामान को खरीदेंगे, अगर हम उनके ही साथ गलत करेंगे तो हमारे सामान को फिर कोई भी नहीं खरीदेगा। सेकेंड पॉइंट इज बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। इसका इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी के ही तो रिसोर्सेज यूज करेगा, वहीं का लैंड, वहीं के लेबर आगे काम करेंगे, कैपिटल भी वहीं से अरेंज होगा, सामान भी वहीं पर बनेगा, सामान उन लोगों को ही बिकेगा। तो अल्टीमेटली जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहीं के लोगों से जब हमें काम पड़ रहा है तो हम उनके साथ गलत क्यों करें। थर्ड पॉइंट इज मॉरल जस्टिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि एक बिजनेस ओनर
के अंदर एक मॉरली भी एक जस्टिफिकेशन होता है कि भाई नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक वो वाली भावना आ जाती है जो हमें मॉरली और जो हमारे संस्कारों में होती है और हमें कुछ गलत नहीं करने देती। तो दिस इज मॉरल जस्टिफिकेशन जो हर बिजनेसमैन के अंदर होता है, नहीं है तो होना चाहिए कि हमें एज अ मॉरली एज एन एथिकली ये चीज़ नहीं करनी है। देन कम्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, बहुत सारा इंटरवेंशन किया है जिससे कि लोग इन द सेंस बिजनेस वाले एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। बहुत सारे एक्ट है, जैसे कि एक तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है जो कि अभी 2020 में अमेंड हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट लेकर आई। आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है जो कि था 1986, लेकिन 2019 में अमेंड हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट लेके आई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। तो मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट इसकी एक होल्ड है, और सच में हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि कंज्यूमर इज इग्नोरेंट। ऑल राइट, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरी वन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा आज का ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो जिसमें हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट यू मे लाइक, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब इज द नेम ऑफ द पेज, वहाँ पर आई यूज टू पोस्ट द लिंक्स। ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, आयुषी शर्मा एजुकेशन इज द नेम ऑफ माई चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you again, everyone, and may God bless you.